आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं समीकरण x²-2√3x+2=0 के मूल्यों द्वारा दी जाती है और भुजाओं के बीच का कोण, इन जो भुजाएं इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, π/3, तो त्रिभुज का परिमाप है। तो अपने जो दो भुजाएं है वो इसके मूल, तो इसके मूल निकालते हैं अपने इसको समीकरण के, समीकरण के क्या निकाल रहे हैं, मूल। तो समीकरण है अपनी x²-2√3x+2=0। श्री धराचार्य सूत्र से अपने इसका मान निकालेंगे। श्री धराचार्य सूत्र होता है x·b (√b²-4ac/2a). तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक होता है वो b होता है, जो h राशि होती है वो c होती है। तो अब अपने इसके अंदर मान रखते हैं x·(-2√3)± √b²। तो −√3²-4 (a) का मान कितना है, 1, और c का मान कितना है, 2/2a, a का मान है 1। तो x²(√3)± अब देखो भाई इसकी स्क्वायर करेंगे, माइनस की स्क्वायर प्लस हो गया, 2 की स्क्वायर 4 और √3 की स्क्वायर 3, तो 4 को 3 से गुणा किया 12, −4 × 8 √2 इसको हल करेंगे कितना आ गया भाई, 2√3±, अब 12 में से 8 गए 4, 4 का √ क्या होता है, 2/2 कितना आ गया, 2। 2 क्या आ रहा है भाई, लघुत्तम आ रहा है, 2 लघुत्तम ले लिया तो क्या रह गया, √3±1/2, 2 से 2 कट गया तो बराबर आ गया √3±1। दो भुजाएं आ चुकी है, एक तो आ चुकी है √3+1 और दूसरी आ चुकी है √3-1। अब अपने त्रिभुज बना लेते हैं इसके लिए, क्योंकि अपने को जो भुजाएं निकालनी है। अब देखो एक को ए नाम दे दिया मैंने, जिसकी भुजा ले ली मैंने √3+1, दूसरी को बी नाम दे दिया √3-1, और तीसरी को क्या नाम दे दिया, सी, जो कि पहले ज्ञात करेंगे। दो अपने पास आ चुकी है, इसने कहा इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो है π/3। ये हो गई बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए। तो इसका एक सूत्र होता है ऐसे, c²√a²+b²-2ab cos c। तो c² अपने को निकालना है, a² का मान अपने पास है √3+1² b का मान अपने पास है √3-1² - 2 a का मान है √3+1 b का मान है √3-1 गुणा cos c का मान है π/3। तो देखो भाई c² इसकी होल स्केयर खोलेंगे, a प्लस बी की a² √3 की स्केयर, a को 3 हो गया, प्लस a की स्केयर 1 प्लस 2√3, इसी तरह √3-1 (3+1)-√3-2। देखो भाई a + b (a - b) (a²-b²), तो √3 की स्केयर 3-1 × cos π/3 का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, तो c² आ चुका है 3 और 1 = 4, ये चीज कट जाएगी 3 और 1 = 4 −3 में से 1 गया 2, तो ये कितना आ गया 6, तो c√6 इकाई। ये तीसरी भुजा आ गई अपने पास। त्रिभुज का परिमाप,
फिर बोझ का परिमाप वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान अपने पास है अंडर रूट तीन प्लस एक, बी का मान है अंडर रूट तीन माइनस एक और सी का मान है अंडर रूट छ। तो एक से एक कट गया तो दो अंडर रूट तीन प्लस अंडर रूट छ इकाई, ये अपना उत्तर होगा जो विकल्प है सी में, तीसरे विकल्प में है। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।